वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप एक बार फिर से इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जिसका नाम है वेडिंग एलिमेंट डिजाइनिंग। इससे पहले आप 4 वीडियोस देख चुके हैं जिनके अंदर हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में और सीट डिजाइनिंग के बारे में, ईएम डिजाइनिंग के बारे में और कवर डिजाइनिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बिना किसी लेआउट और बैकग्राउंड के यूज़ लिए हुए किस तरह से हम एक सीट को डिज़ाइन करेंगे। आइए देखते हैं। ये कुछ फोल्डर्स हैं जो हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, उनके अंदर आज मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं यहाँ पे, जिनका अभी हम सीट तैयार करेंगे। फोटोशॉप ओपन करेंगे, कंट्रोल एन से न्यू और इसकी साइज़ देंगे 36। मुझे 12x36 का एलो बनाना है और 200 इसका रिजोल्यूशन, ये हो गया। कंट्रोल आई से मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। व्यू के अंदर जाकर न्यू गाइड से गाइडलाइन ले रहा हूँ जिसकी वर्टिकल साइज़ कर रहा हूँ मैं 18, क्योंकि 36 इसकी विड्थ है। वर्टिकली मैं इसको 18 इंच पे जाके कट कर रहा हूँ, क्योंकि जो एल्बम होता है वो बीच में से फ़ोटो बुक कटता है और क्रीज में होता है, वो कटता नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक मोड आता है। तो ये लाइन जहाँ पे है यहाँ पे हमको कोई भी फ़ोटो नहीं लेनी है, क्योंकि वो फ़ोटो होगी वो ख़राब हो जाएगी नहीं तो, जैसे किसी की आँख वगैरह वहाँ पर आ गई तो फ़ोटो ख़राब लगेगी, तो इसलिए ये हमको ध्यान रखने के लिए गाइडलाइन है। अभी यहाँ पर कुछ भी बैकग्राउंड या लेआउट नहीं है, हम सीधा फ़ोटो लेके आ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं फ़ोटो से। कंट्रोल ए सी डब्ल्यू किया और ये फ़ोटो हम यहाँ पे लेके आ गए। ये फ़ोटो थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कहो इसका बढ़ा देता हूँ। ये फ़ोटो हो गया तैयार। अब ई से इरेजर लिया मैंने और थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज किया। अब एम से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ एरिया और कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर लिया, शिफ्ट के साथ F5 दबाया और यहाँ पे फिल किया। अब यहाँ पे मुझे इसको बॉर्डर देना है, सबसे पहले मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अब इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ 40, वाइट बॉर्डर दे रहा हूँ 40 और इसको अभी मैं रेड 30 बॉर्डर और दे रहा हूँ। रेड कलर पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कलर है उसको डायरेक्ट पिक किया और दिया 30। अब ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। बॉर्डर ये बॉक्स तैयार करने के और भी खूब सारे मेथड हैं। आप डायरेक्ट यू से रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यू से रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल के साथ एंटर मारा, शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन किया न्यू लेयर और शिफ्ट के साथ F5 से मैंने इसको फिल किया तो ये तैयार हो गया। अब इसको भी हम बॉर्डर दे सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं, मैंने 10 का स्ट्रोक इसको दिया तो ये हमारा तैयार हो गया। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ यू किया, मैंने इसको वाइट किया और इसको मैं डायरेक्टली इसको 10 का स्ट्रोक दिया है वाइट। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट किया, थोड़ा सा अंदर लेके गया तो ये हमारा एक तरह से वापस बॉक्स तैयार हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जो नीचे वाला है मैं उसको वापस इसको वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के लिए मैं यूज़ ले रहा हूँ कंट्रोल यू और फिर इसकी लाइटनेस फुल बढ़ा रहा हूँ और एंटर मारा और इसको कम किया, इसका ओपेसिटी कम किया तो ये एक तरह से फिर से रेक्टेंगल तैयार हो गया। तो इस तरह से हम खूब सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल बना के यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर वगैरह और लाइंस वगैरह भी लेके आया हूँ, तो यहाँ पे आप फ्लावर या जैसे ये माई लव लिखा हुआ है तो आप ये भी दे सकते हो, तो जिससे ये क्या है बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके चॉइस है, यहाँ पे फ्लावर वगैरह है तो आप फ्लावर भी दे सकते हो। इसके मैं 3 डुप्लीकेट तैयार कर रहा हूँ, 1 2 3, तीनों को यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट दिया फिर उसके बाद में छोटा किया 3। मुझे यहाँ पे मान लो 6 फ़ोटो लगानी है तो ये टोटल यहाँ पे 6 फ़ोटो लगेगी, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे मैं 3 फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, 2 फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, तो जैसे मुझे यहाँ पे 2 फ़ोटो लगानी है तो मैं इसको यहाँ पे इसे ले लूँगा। तो ये सीट का एक तरह से लेआउट डिज़ाइन हमने सेल्फ किया और फटाफट से हम काम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रफली बता रहा हूँ, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे और मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे फ़ोटो लेके आने चाहता हूँ, जैसे पहले ये फ़ोटो लेके आते हैं इस फ़ोटो को, पोर्ट्रेट जो पोज होते हैं क्लोजअप सीन होते हैं उनको बड़ा करके हम साइड में लगाएंगे सीट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा
निखार आएगा, सीट बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी फिर उसके बाद में। इसे मैं इसको यहाँ पे ले गया, आ गया। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये मैचिंग नहीं कर रहा है, इस सीट के अंदर ये कलर आ रहा है, इसके अंदर ब्लैक आ रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इरेजर से ओपासिटी कम करूँगा धीरे धीरे, और इसको ऐसे इरेज कर दूँगा। तो इरेज करने से थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ग्रेडिएंट आ रहा है। यहाँ भी मेरे को एक फ़ोटो लेके आनी है, वो फ़ोटो शिफ्ट के एम से मैंने सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ F6 से मैंने 80 इसका फेदर दिया। और अभी एक दूसरी फ़ोटो लेके आता हूँ, ये फ़ोटो लाया मैंने, कंट्रोल SCW किया, और अभी आप देख सकते हैं ये तैयार है। के नीचे अगर आपको एक और सीट लगानी है तो उसको फेदर आप करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वैसा ही एक बॉक्स लिया और यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ फोटो लगाने से वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। अभी ये फोटो जो अंदर मैं पेस्ट इनटू कर रहा हूँ, ये एक मेथड है पेस्ट इनटू का, मैंने सेकंड वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि किस तरह से पेस्ट इनटू करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और वी के साथ पेस्ट इनटू होता है, इसको दूसरे तरीके से भी इसके अंदर पेस्ट इनटू कर सकते हैं। मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ और वापस इसको पेस्ट इनटू करूँगा। शिफ्ट के साथ F6 से मैंने इसको फेदर दिया 20, और अलर्ट SMC से मैंने इसको 20 कॉन्ट्रैक्ट दिया, यानी मैं इस सिलेक्शन को अंदर की साइड में लेना चाहता हूँ। तो शिफ्ट के साथ F6 से मैंने इसको फेदर भी दिया, और अभी कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट इनटू कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक बॉर्डर फेदर के साथ लाइनिंग आ रही है, ब्लैक लाइनिंग आ रही है यहाँ पे। तो ये लाइनिंग जो आ रही है ये फेदर देखे और इनसाइड मैंने थोड़ा सा सिलेक्शन को लिया था तब ये लाइनिंग आई है। तो ये भी एक डिफरेंट वे है। आप ध्यान में रखिए कि एक पेज के अंदर एक ही टाइप का मेथड यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जितने भी सीट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर बनेगी, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपके पास चॉइस भी रहती है कि अगर 30 या 40 50 सीट है तो उनके अंदर आप जितने भी आप तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक के अंदर अगर आपने सारे ही तरीके लगाए तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा और नेक्स्ट वाले भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इस सीट के अंदर जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट इनटू किया है, वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो ये एक तरह से अच्छी डिज़ाइन लगेगी। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ रफली तरीका बता रहा हूँ, ये मैंने डिलीट किया और यहाँ पे फ़ोटो जैसे लेके आ सकते हैं, ये फ़ोटो फ़ोटो मैं अभी बीच में से ले रहा हूँ क्योंकि जस्ट हमको सीखना है। आपको फ़ोटो बीच में से नहीं लेनी है ऐसे इतनी ज़्यादा फ़ोटो बीच में से, क्योंकि बीच में से फ़ोटो लेने से फ़ोटो की सीक्वेंस बिगड़ती है। अब जैसे बैकग्राउंड के अंदर ये फ़ोटो लेनी है तो ओपेसिटी इसकी कम करेंगे, ये 5 किया तो ये बैकग्राउंड के अंदर फ़ोटो आ गई। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये बना सकते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ओपेसिटी कम किया हुआ है तो ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है, बैकग्राउंड जो है इसके अंदर से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है हमको, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और इसको और भी दूसरे तरीके से भी हम तैयार कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे दो फोटो लगानी है तो ये दो फोटो के लिए मैंने तैयार किया, बैकग्राउंड मैं इसके कलर देना चाहता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड से मैंने न्यू ले लिया, शिफ्ट के साथ F5 किया और बैक में लेके गया और इसकी ओपेसिटी कम कर दी, तो ये और भी ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले वाले से। 30 इसकी मैंने ओपेसिटी कर दी, अभी आप देखेंगे तो और ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे आप फ्लावर भी लेके आ सकते हो, नाम भी दे सकते हो यहाँ पे, अगर आप कुछ फ्लावर लेके आना चाहते हो जैसे इनमें से आप लेके आ सकते हैं। ये लाइनिंग जो है मैंने sanjayphotol.com पे भी शेयर किया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ये लाइनिंग मैंने यहाँ पे लगाई, यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं, और इरेजर से थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे। तो अच्छा लुक दे रहा है यहाँ पे। इसका एक और तरीका भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक जैसे एक फ़ोटो लेके आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल SCW किया और फ़ोटो के यहाँ पे
पेस्ट किया डायरेक्ट। अब जैसे इस फोटो को मुझे फेदर देना है, ब्लर करना है, तो फेदर दूंगा सबसे पहले 80, फिर उसके बाद में ब्लर करूँगा, ग्रीसियन ब्लर, सॉरी, इसको सेलेक्ट इन्वर्स किया शिफ्ट के साथ F5 से, और ग्रीसियन ब्लर दिया। मैंने डायरेक्ट ग्रीसियन ब्लर कैसे दिया है, क्योंकि जो भी फिल्टर हम यूज़ में लेते हैं, लास्ट फिल्टर जो है इसका कंट्रोल के साथ F प्रेस करने से आ जाता है, तो ये भी शॉर्टकट बहुत काम का है कि बार बार हमको ग्रीसियन ब्लर देने के लिए फिल्टर मेन्यू के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, और कंट्रोल F से लास्ट मैंने यूज़ में लेते हैं, तो ये एक भी मेथड, एक मेथड ये भी है। तो अगर ये यूज़ में लेंगे तो यहाँ पे इस तरह की फ़ोटो फिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ़ोटो कट रही है, तो यहाँ पे हमको फिर ऐसी फ़ोटो यूज़ में नहीं लेनी होगी, हम ये फ़ोटो यहाँ पे यूज़ में लेंगे, इस तरह की फ़ोटो हम यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। हाँ, आपको मैं मैचिंग बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ। आप देखिए, जैसे कि ये फ़ोटो है, कंट्रोल ए सी डब्लू किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ये एक फ़ोटो मैं लेके आया। अब ये फ़ोटो है, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाए और इनके अंदर तो मैंने इधर फ़ोटो लगाया, जैसे ये बॉक्स है कुछ, यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाई, लेकिन ये जैसा बैकग्राउंड इस साइड में दिख रहा है, मुझे वैसा का वैसा बैकग्राउंड उस साइड में चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो ये कि इस फ़ोटो को इधर मैं पेस्ट करूँ यहाँ पे, और फेदर दे दिया, सॉरी ग्रीसियन ब्लर दे दिया, तो इससे क्या हो गया, मैच कलर, ये मैचिंग कलर बन गया एक तरह से। यहाँ पे फिर आप ये बॉक्सेस दे सकते हो, 1 2 3 4, जितनी आपको फ़ोटो चाहिए। और दूसरा तरीका एक और भी है कि आप ओनली सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा कलर सेलेक्ट करो बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड से ये देखो, यहाँ से बैकग्राउंड से मैं कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी भी किया, और इसको यहाँ पे ले गया, वो ग्रीसियन ब्लर दिया यहाँ पे, और ये बैकग्राउंड एक जैसा सेम हो गया, ये बैकग्राउंड तैयार हो गया। एक और तरीका है कि इस बैकग्राउंड को हम ग्रीसियन ब्लर देने की बजाय हम मोशन ब्लर भी देके तैयार कर सकते हैं। मोशन ब्लर इसके अंदर अच्छे तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, मोशन ब्लर के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ ये, इसको कंट्रोल सी भी किया, अब देखिए मोशन ब्लर इसके ऊपर देते हैं, ये मोशन ब्लर, मोशन ब्लर है थोड़ा सा, उससे डिफरेंट लुक देता है। इस तरह से आप मोशन ब्लर भी दे सकते हैं, और इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं कि आपको वर्टिकल या ओरिजेंटल कितने डिग्री में आपको मोशन ब्लर देना है, तो ये भी एक अच्छा लुक दे सकता है। और इसमें खास बात यह है कि ये कलर मैचिंग हो रहा है इधर से और यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे आपके पास में तरीके हैं, आप किस तरह से एक शीट को बना सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी बैकग्राउंड यूज़ में लेने की ज़रूरत नहीं, आप नाम वगैरह कुछ भी लिखना चाहते हैं, हैप्पी वेडिंग वगैरह, वो जो संजय फोटो वर्ल्ड से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्लावर वगैरह आप यूज़ में करना लेना चाहो, ये यहाँ पे फ्लावर और फ्लावर की लाइनिंग है, तो वो भी आप यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि आपको बॉर्डर के ऊपर से ये लाइनिंग लेनी है, तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार लुक दे रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लुक दे सकते हो आप, ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। इसके अंदर आपको कोई भी टेम्पलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर कोई भी दूसरा बैकग्राउंड भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप डायरेक्ट डायरेक्ट फोटोशॉप से अपना वेडिंग एल्बम डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियोज़ के अंदर मैंने वो पार्ट नहीं लिया है कि DM यानी दूल्हा और दुल्हन के जो पोर्ट्रेट होंगे, उनसे भी हम बिना कटिंग किए और अच्छी तरह से डिज़ाइन करेंगे बिना कटिंग किए, तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इससे अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके अंदर आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो, और मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।